हेलो भाई साहब, डेली वेजर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आज हम बात करेंगे सांसद हसीन मसूद साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं, जो जम्मू कश्मीर से सांसद हैं लोकसभा के। तो जैसा कि आपने देखा, कल जम्मू के अंदर PHC के द्वारा जो प्रोटेस्ट रखा गया था, कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि हमारी जो डिविजन की जो आवाज़ है वो एक बार फिर से लोकसभा के अंदर गूंजी। तो चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे क्या कुछ कहा मसूदी साहब ने लोकसभा के अंदर, चलिए सुनते हैं उनको। माननीय सांसद हसनैन मसूदी जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन, About 80,000 delegated workers, casual workers, contractual workers, need-based workers are awaiting regularization for last 10 years. ये बहुत बड़ी समस्या है जम्मू कश्मीर के लिए, और इनमें से 30,000 BJP गवर्नमेंट ने ही भर्ती किए हुए हैं। आज ये पोजिशन है कि इनके रेगुलर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, और सारे के सारे ये जो वर्कर्स हैं ये सारे सड़कों पर रहते हैं तकरीबन सारा साल। एक ही मिनट हुआ आज हमने, तो इन इस रेगुलराइजेशन को एक्सपायर करने की मेरी गुजारिश है। इसके अलावा सारे यहाँ पर करें जो नई तालीमी पॉलिसी है उसके तहत जो भी इनके लक्ष्य हैं, किसी भी कॉलेज में कोई भी परमानेंट टीचर नहीं है, और जो तादाद है वो सारे जो सेशन बेस्ड एकेडमिक सेशन बेस्ड जो जिनकी नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट होती है, वो इंतज़ार कर रहे हैं रेगुलराइजेशन का। तो इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी पीड़ा है, हज़ारों के करीब कुंभे हैं मुतासर हैं। तो सरकार से ये सवाल तो फाइनेंस मिनिस्टर से था, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते थे, अभी एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो इन सारे जो मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट और डेलीगेटेड वर्कर्स, इनकी रेगुलराइजेशन का कोई प्रोविजन बनाइए, कोई प्लान बनाइए, कोई स्कीम बनाइए, ताकि इनको राहत मिले, और इन पर जो निर्भर करते हैं, उनके कुंबे जो हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ को कोई राहत मिले और उनकी एजुकेशन वगैरह की कोई व्यवस्था हो। इसके अलावा एक मिनट, 15,000 के करीब हमारे मेडिकल असिस्टेंट्स हैं जो एनरोल्ड हैं। पिछले साल 5 अगस्त को कानून में परिवर्तन किया गया और फार्मासिस्ट एक्ट में तरमीम लाई गई, और इनको इन एलिजिबल बनाया गया। तो वन टाइम एक्सेप्शन किया जाए, जो भी एनरोल्ड है इस वक्त इन सारे इंस्टीट्यूशंस में जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, उनको एक वन टाइम एक्सेप्शन दिया जाए, और उनको भी एनरोल करने के लिए एज फार्मिस्ट रजिस्टर करने के लिए वो अवसर दिया जाए। यही मेरे दो मुतालबे। और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे ऐसी किसी और अपडेट के साथ। तब तक हमें दे इजाज़त। जय हिंद।